सांप को देखते ही लोग अक्सर सिहर उठते हैं, लेकिन इकोसिस्टम में जैव विविधता को बनाए रखने में उनकी प्रमुख भूमिका होती है। वे चूहों से निजात दिलाते हैं, उन्हें फसलों से दूर रखते हैं और बीमारियां फैलाने से रोकते हैं। सांप दोहरी भूमिका निभाते हैं, वे शिकारी भी हैं और शिकार भी। उनके न होने से कई जगहों का इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा, जहां बहुत सारे चूहे होते हैं, जैसे कि भारत के तमिलनाडु राज्य में। सांप ज्यादातर चूहों को मारते हैं और उनके बिलों में रहते हैं, खुद बिल नहीं बनाते। काली सांपों की जानकार इरूला जनजाति से हैं। पीढ़ियों से इरूला लोग सांप पकड़ते आए हैं। इसी की बदौलत सांपों के खाल के उद्योग में ये सपेरा बिरादरी टिकी रह पाई है। मेरे दादा के जमाने में वे लोग सांप पकड़ते थे और मार देते थे। उनकी आय का कोई और साधन नहीं था, सांप पकड़ते और उनकी खाल बेच देते। बाद में वन विभाग ने सांपों को मारने पर पाबंदी लगा दी। 1970 के दशक में चूहों के प्रकोप से भारत में खाद्यान्न का भारी नुकसान हुआ था। इस घटना से वन विभाग को सांपों की अहमियत समझ आई, इसलिए उन्हें बचाने का कानून बना। लेकिन सांप पकड़ने वाले सपेरों की रोजी रोटी छिन गई। उस दौरान सांपों के काटने के मामले भी बढ़ते ही जा रहे थे, लिहाजा सांप के विष की दवा का उत्पादन भी लाजमी हो चला था। देश में सांप के जहर की दवा की किल्लत भी थी, इसलिए ये प्रोजेक्ट आया जो रॉम का आइडिया था। उन्होंने अपनी रोजी रोटी गवा दी थी, लेकिन कैसा रहता अगर विषरोधी टीका बनाने वाली विष प्रयोगशालाओं के लिए वे जहरीले सांप पकड़ते। जाई विटेकर के पूर्व पति रामुलस ने विष निकालने के मकसद के साथ इरूला सपेरा कोऑपरेटिव को गठित करने में मदद की। ये 1978 की बात है। उनके काम की बदौलत भारत में हर साल सांप काटने से मरने वालों की संख्या में कमी आई है। ये प्रोजेक्ट बहुत छोटे ढंग से ग्यूंडी के स्नेक पार्क में शुरू हुआ था। अब ये वाडानेमल्ली में क्रॉक बैंक में चला गया। जहाँ तक मैं जानती हूँ, विष निरोधी टीके के लिए सांप के जहर की मुख्य आपूर्ति यहीं से होती है। भारत में चार किस्म के सांपों के काटने से अधिकांश मौतें होती हैं। ये हैं कोबरा, क्रेट, रसल वाइपर और सौ स्केल्ड वाइपर, जिसे फुरसा सांप भी कहते हैं। हर साल भारत में 50,000 से ज्यादा लोग सांपों के काटने से दम तोड़ देते हैं। इसलिए काली जैसे सपेरे मानव सर्प टकराव को न्यूनतम करने में अहम भूमिका निभाते हैं। वे सांपों का जहर निकाल देते हैं और इसके लिए उन्हें सरकार से पैसा मिलता है, लेकिन कमाई का ये जरिया खतरनाक है। लाइसेंस मिलने के बाद मैं सांप पकड़ने निकल गया। एक बार दो कोबरा मिल गए, नर और मादा का जोड़ा। जैसे ही मैं उन्हें झोले में रखने लगा, एक ने मुझे पांव में काट दिया। इस घटना के बाद काली एक सप्ताह तक कोमा में रहे, लेकिन बच निकले। काली जैसे इरूला आदिवासी हर रोज अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर हजारों लोगों की जिंदगियां बचा लेते हैं। सांप का जहर डायबिटीज और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों की दवाएं बनाने में काम आता है, लेकिन देश में अलग अलग हिस्सों में सांपों का जहर भी अलग अलग होता है। विभिन्न राज्यों से जहर निकालना और अलग अलग सैंपलों को शोध के लिए एक साथ लाना बाज दफा चुनौती भरा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत के उजाड़ सूखे पश्चिमोत्तर हिस्से में पाए जाने वाले कोबरा के जहर से बनने वाली दवा तमिलनाडु के सांपों के जहर की दवा के सैंपलों के मुकाबले काफी पेचीदा और अलग होती है। यह सांपों के काटने की समस्या से निपटने में बिल्कुल नाकाफी होती है। ये साफ है कि दवा बनाने और दूसरी चिकित्सा जरूरतों के लिए सांपों को पकड़ना जरूरी है, लेकिन पारिस्थितिकीय संतुलन कायम रखने के लिए उन्हें बचाना भी जरूरी है। चूहों पर नियंत्रण से लेकर खाद्य श्रृंखला में एक गतिशील संतुलन बनाए रखने तक सांप हमारी धरती की जैव विविधता में अहम भूमिका निभाते हैं। पीढ़ियों से इरूला जनजाति सांपों और इंसानों के बीच खाई को पाटने का काम कर रही है।